हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अ मेडियन कैप्सूल मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमीस्फेयर। देखो बेटा, ये सिलेंडर है, यहाँ से एक सिलेंडर फॉर्म है और इधर से दो हेमीस्फेयर हैं। स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड्स, सी फिगर भी दे रखा है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, ये पूरे एंटायर कैप्सूल की लेंथ 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, ये जो डायमीटर है ना, ये 5 mm दे रखा है, ठीक है। फाइंड इट्स सर्फेस एरिया, इसका हमें सर्फेस एरिया निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा, अगर इसको मैं तोड़ दूँ, ये सिलेंडर, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा वो सिलेंडर बन गया, मैंने येलो कर दिया, और इधर से क्या है हेमीस्फेयर, इधर से क्या है हेमीस्फेयर, ठीक है। तो हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये हमारी हाइट है ना, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो क्या होगा 14 mm। और देखो, अगर रेडियस हमारे पास 5 mm है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस हुआ और ये भी रेडियस हुआ, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिंस रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, तो वो कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारे पास 5 है, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2.50 mm, इतना आ जाएगा। ओके, सो ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो हाइट कितना हो जाएगा, इधर से मेरे को 2.5 माइनस करना पड़ेगा, इधर से भी मेरे को 2.5 माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से 2.5 और 2.5 ऐड करके माइनस कर देना है, तो 14 - 5 विच इज़ 9, तो जो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। एंड रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी वही रहेगी 2.5, क्योंकि ये सरमाउंटेड है ना, देखो ये चीज़, ठीक है, इसी पर सरमाउंटेड है, तो ये इसकी जो रेडियस होगी सिलेंडर की भी जो रेडियस होगी वो होगी 2.5 mm, ये सब mm में है, ठीक है, मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया, यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो बेटा वो क्या होगा, सरफेस एरिया किसका चाहिए मुझे, सिलेंडर का, और उसमें मुझे दो सरफेस एरिया किसके ऐड करने पड़ेंगे, दोनों तरफ से क्या लगा पड़ा है, हेमीस्फेयर, तो ये हो जाएगा सिंपल सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, और 2 हेमीस्फेयर का जो होता है वो होता है 2πr², सो एटलीस्ट 2πr कॉमन है, यहाँ से h आ गया और यहाँ से 2r आ गया, ठीक है, 2π की वैल्यू कितनी, 22/7 कुछ नहीं है, तो वही यूज़ करना है, और r हमारे पास कितना है 2.5, h हमारे पास कितना है 9 एंड 2r, ठीक है, आर कितना है हमारे पास 2.5, तो ऊपर आ गया 44 × 2.5 अपॉन में आया 7, और यहाँ से 5 और 9, यहाँ से आ गया 14, 7 × 2 = 14, 44 × 2.5 = 5, ठीक है, 2.5 × 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देना है, 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 220, कैलकुलेशन ख़त्म, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया।